स्वागत है आपका। आज जयपुर में स्थित तीन सबसे फेमस टेंपल आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसके बिना जयपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जिसमें मैं सबसे पहले आप यहां से देख सकते हैं कि बिरला मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस माना जाता है जयपुर का, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित बिरला मंदिर मोटी डोंगरी किले के समीप स्थित है। प्रारंभ में यह लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी प्रचलित था। ये देख सकते हैं यहां से, शुद्ध सफेद संगमरमर से बना बिरला मंदिर परंपरागत प्राचीन हिंदू मंदिरों से विपरीत एक आधुनिक दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है। ये देखिए यहां से बड़ा ही खूबसूरत व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, जिसको स्पेशली लोग दूर दूर से देखने के लिए यहां पे आते हैं। यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए सामने ही आप देख सकते हैं, यहां से मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं की संगमरमर के पत्थर से तराशी गई सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर अपनी बारीक और नक्काशी के काम के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंदर बिल्कुल भी फोटो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने किसी तरह वहां से 2-3 क्लिप ले लिए थे, इसलिए मोस्टली मैं आपको बाहर से ही कवर कर के दिखाऊंगा इस पूरे टेम्पल को। यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अंदर से भी आपको कुछ क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खुद धार्मिक चिन्ह पौराणिक घटनाओं और गीता के श्लोक और उपनिषद इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। जब मैंने अंदर जाके इसको कोशिश किया अंदर थोड़ा सा क्लिप लेने की, आपको दिखाऊंगा दीवारों पर बने हुए बहुत ही खूबसूरत चित्र बने हुए हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए यहां से सबसे पहले मैंने पीछे जाके पूरा कवर करने की कोशिश करी है, अंदर फोटो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक थोड़ा सा एक क्लिप ले लिया ताकि आप देख सके अंदर से कैसा है ये टेम्पल और कैसा दिखता है। ये देखिए इनकी दीवारों पर कैसे नक्काशी बनाई हुई है, यहां से देख सकते हैं। और कहा जाता है कि सन 1904 में भगवान लक्ष्मी नारायण के भक्त संत रामानुज दास ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके स्थान पर आज ये विशाल बिरला मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अंदर का सामने ही ये माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की विराजमान देख सकते हैं सामने। मैं क्लिप लेने की कोशिश करी थी यहीं से, ये देखिए सामने सामने से बिल्कुल फ्रंट से तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैंने फिर भी एक छोटा सा एक क्लिप ले लिया था जो मैं आपको यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। बाकी यहाँ से देख सकते हैं इसकी आर्ट और नक्काशी। और कहा जाता है कि सन 1988 में बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में संत रामानुज दास द्वारा निर्मित मंदिर के स्थान पर बिरला मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस जमीन को बिरला परिवार ने एक महाराजा से केवल 1 रुपए में खरीदा था। ये बड़ी ही अद्भुत बात है, 1 रुपए में ये इस जमीन को खरीदा गया था, जिसके ऊपर ये पूरा बिरला मंदिर बना हुआ है। यहां से देख सकते हैं इसकी नक्काशी, ये देखिए। और यहां जाने का उत्तम समय अक्टूबर से मार्च तक का है होता है। संग्रहालय में प्रवेश निशुल्क है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली एंटर करके आराम से अंदर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मंदिर के अंदर तस्वीर लेना सख्त मना है, मैं आपको पहले बता दूं कि बिल्कुल भी सामने से फोटो बिल्कुल ना लें, वहाँ पे बिल्कुल सामने ही लिखा गया है बिल्कुल स्ट्रिक्टली फोटो अलाउ लेना मना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, ये देखिए बहुत ही फेमस टेंपल जयपुर के माने जाते हैं। 3 टेंपल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही फेमस टेंपल है, जिसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बिरला मंदिर दिखा रहा हूँ, और इसी के बाद अभी मैं यहाँ पे अभी हमें इसी के साथ ही 5 मिनट की डिस्टेंस पर गणेश जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है। थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आप पहले ये बिरला मंदिर देख सकते हैं, यहीं से हम चलेंगे आगे गणेश जी के मंदिर। ये देखिए यहां से
मिलेगी। बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत अच्छा लगेगा। आसपास आपको देख सकते कितनी अच्छी ग्रीनिश है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। सो चलिए यहाँ से चलते हैं अब गणेश जी के मंदिर। सो ये आ गया आज हमारा गणेश जी का मंदिर, यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर इसको माना जाता है। इसकी खासियत अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको, और इंडिया में ये पहला मंदिर है जिसका बिना सूंड के आप यहाँ पे हमारे गणेश जी विराजमान हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, अगले से मैंने फ्रंट से एक फोटो लेने की कोशिश की थी। इतिहास के जानकारों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि गणेश मंदिर महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था नाहरण की पहाड़ी पर आश्वमेधा यश करवाकर गणेश जी के बाल स्वरूप बाले इस प्रतिमा की स्थापना की करीब 350 पहले करवाई थी। और इस मंदिर की स्थापना के बाद जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। ये देखिए, देख सकते हैं अंदर, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही फेमस है पूरे हिंदुस्तान में। आपको ये एक पहला मंदिर है जो गढ़ गणेश के मंदिर की ओर जाते समय रास्ते में शिव भगवान का मंदिर भी आता है, जिसमें अपने परिवार के साथ विराजमान है। और इस मंदिर में गणेश जी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिस वजह से इसकी सूंड नहीं है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें गणेश जी बिना सूंड के विराजमान है। अगर आप जयपुर आए तो इस टेंपल को विजिट करना ना भूलें। ऐसा अभी मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा जयपुर में, क्योंकि ऐसा मंदिर सुनने को आता नहीं है। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ जब मैं यहाँ पे आया और देखा, जब सामने से जब लोगों ने मुझे बताया कि इस मंदिर को जरूर विजिट करें, बहुत ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा कई मंदिर नहीं है। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका गणेश जी बिना सूंड के विराजमान है। और यहां से अब चलेंगे हम, आपको मैं दिखाऊंगा भगवान गोविंद देव जी का मंदिर, वो भी बहुत ही फेमस माना जाता है। सब रास्ते में जब जाते आपको ये हवा महल भी दिखेगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। बीच में अच्छी खासी भीड़ थी, यहां से देख सकते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में से एक भगवान गोविंद जी आमेर के कहावा राजवंश के मुख्य देवता हैं और जयपुर और उसके शासकों के समृद्ध ऐतिहासिक से जुड़े हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां आ गए हम भगवान गोविंद जी के मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है। कई लोगों ने कहा कि इसको भी विजिट जरूर करें। ये तीन टेंपल जयपुर के जो हैं बहुत ही फेमस हैं, जिसको मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का सोचा और दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप जयपुर आते हैं तो इन तीन टेंपलों को विजिट करना ना भूलें। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अब हम मंदिर के एंटर अंदर हो चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मूल गोविंद जी की मूर्ति वृंदावन के एक मंदिर में थी, जिसकी खुदाई लगभग 450 साल पहले वृंदावन के गोमा टीला की श्री चैतन्य महाप्रभु के एक विशिष्य श्री रूप स्वामी के रूप में थी। ये देखिए यहां से, 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासक औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर और मूर्तियों को नष्ट करने की होड़ में था। लगभग उसी समय वृंदावन के श्री शिवराम गोस्वामी द्वारा गोविंद जी की मूर्ति की देखभाल की गई थी। यहां से देख सकते हैं, यही है वो मूर्ति जो वृंदावन में 450 पहले खुदाई हुई थी, तो वहां से निकली थी, वो यहाँ आज विराजमान है। इसी को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आकर देखने के, यहाँ से इसकी थोड़ी सी मैंने नक्काशी भी लेने की कोशिश करी है। ये देखिए यहाँ से, बहुत अच्छी खासी आपको भीड़ मिलेगी। जो तीन टेम्पल थे जो मैंने जिनका इतिहास बताने की कोशिश करी है, जिनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, इन तीन टेम्पलों को विजिट जरूर करें। यहीं से मैं आपसे इजाजत लूंगा, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। जय श्री कृष्ण।